तो फ्रेंड्स हमें सॉल्व करना है ये सवाल। सवाल में क्या क्या कुछ 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 पूछ लिया है ना। पूछा अरॉड पी क्यू ऑफ मास एम लेंथ एल इज हिंज्ड एट एंड पी। यहाँ पे कील लगा हुआ है। द रॉड इज केप्ट हॉरिजेंटल बाय अ मासलेस स्ट्रिंग टाइड एट द टाइड टू पॉइंट क्यू एज शोन इन द फिगर। व्हेन स्ट्रिंग इज कट द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। ये धागा से यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ पे कील से ठुका हुआ है, तो इसको जैसे ही कट करेंगे ना, कैंची से इसको कट करेंगे, ये अचानक से ऐसे घूम जाएगा। यानी तुम बोलोगे सर इसका मतलब रोटेशनल मोशन होगा। होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स है यार, तो ये यही पॉइंट घूमेगा ना। अरे हाँ यार मित्रों, हाँ हाँ यार ना, सर, हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है रंजित सिंह, हमसे पूछ लिया कि छोटू अल्फा बता। हम बोले कि अल्फा बता देंगे। अल्फा इज नॉट अ वेरी गुड, सॉरी मतलब वेरी टफ थिंग फॉर अस। मुझे एक बात बताओ, टाउ बराबर क्या होता है? तुम बोलोगे टाउ बराबर आई अल्फा होता है। लो पता चल गया। लेकिन टाउ बराबर ये भी तो होता है, टाउ बराबर ये भी तो होता है। देखो अगर इसको हम अचानक से कट कर देते हैं तो ये नीचे क्यों आएगा, सोच के बताओ। हाँ जाओ ग्रेविटी की जाओ वजह से। जाओ, ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो मुझे एक बात बताना, तुम बोलोगे कि सर फोर्स नीचे की तरफ लगा और दूरी ये, तो एफ इंटू आर या आर इंटू एफ, वो भी तो टाउ ही होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले हाँ टाउ का सर, फॉर्मूला वही पढ़े ही थे। तो मैं क्या अरे लिखूं, हाँ, मैं टाउ बराबर क्या लिखूं यहाँ? यही आर लिखो। इंटू एफ लिखूं, ये भी तो होगा ना। तुम बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे आर इंटू एफ बराबर आई इंटू अल्फा। आर का वैल्यू कितना लिखा कमी। है ये बताओ, जल्दी बोलो। आर का वैल्यू L/2, L by 2, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे लगता है ग्रेविटी। ग्रेविटी यहां पे नहीं लगेगा, ये लगेगा सेंटर ऑफ मास पे। याद रखना यहां है MG, यही मैं सुनना चाहता था, यहां पे लग रहा मास। तो फोर्स कितना लगा है, फोर्स लगा है MG। डिस्टेंस कितना है, L/2। आई कितना हो जाएगा, रॉड के लिए मैंने एल सॉरी आई बताया था, MR²/3 शायद कुछ हाँ, ऐसा बताए थे, बताया था कि नहीं बताया था? ML तो अगर मैं जी इसको MR², आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, एल पूरा का पूरा लेंथ, भैया पूरा का पूरा लेंथ, ML²/3 इंटू अल्फा। अगर मैं लिख दूं तो किसी को कोई तकलीफ, नहीं। कोई तकलीफ नहीं। क्या मैं एम को एम से मार सकता हूं? अरे एम यहाँ पे भी छोटा ले लेते हैं ना, या बड़ा ही ले लेते। चलो क्या मैं एम को एम से मार सकता हूँ, इतना है मुझे अधिकार? तुम बोलोगे हाँ। एल को एल से मार सकता हूँ, हाँ है मुझे अधिकार तो है। हो गया ना, फिर अल्फा आ गया खत्म। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 है, 3G/2 है, क्या हो जाएगा, 3G/2 है, 12। 3G/2 है, हो गया खत्म। इजी मैन, अरे इजी। हाँ हमने सर, टाउ के लिए दो फॉर्मूला लगा दिया, एक आई अल्फा एक आर क्रॉस एफ। ये आर क्रॉस एफ में आर जो है ना, यही मेन हम सुनना चाहते थे। आर लोग सोचता है यहाँ पे लगेगा, नहीं, सेंटर ऑफ मास यानी L/2। बाकी सब तो ठीक ही है, क्यों बताओ, हाँ सर, कोई दिक्कत, एनीबडी हैविंग नहीं एनी दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत। सर। अब एक काफी अच्छा सा सवाल है ना, पूछा जाएगा तुम लोगों से और उम्मीद किया जाता है कि जवाब तो दोगे, है ना, जवाब तो दोगे। ये एक लाइन है, ध्यान से सुनना। इस लाइन से किसी खास एंगल पे, सुनना, इस लाइन से किसी खास एंगल पे एक रॉड ऐसे रखा हुआ है। तुम बोलोगे ठीक है, मान लो एंगल कितना है इसके बीच में, थीटा कितना है भाई, थीटा। यहाँ पे ये हिंज्ड है, यानी काटी लगा हुआ है, ठुका हुआ है, ठीक है, हिंज्ड। लो ये हिंज्ड है, हाँ वही मास एम और लेंथ एल, वो तो जानते ही हो ना, बाय डिफॉल्ट हम लोगों का रहता है कैपिटल एम और लेंथ एल कैपिटल, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मैं लिख ही देता हूं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में, एक मिनट, ये हुआ ना अच्छा सवाल।
वैसे ये सवाल सब कभी पूछते नहीं है नीट वीट में। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जानबूझ के बता रहे हैं। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड आफ्टर इट इज जस्ट रिलीज्ड, आफ्टर इट इज जस्ट रिलीज्ड। ममता आर यू राइटिंग यस सर। इंग्लिश में बोलो यार, फ्रॉम द पोजिशन। यस सर, इंग्लिश में ही होता है सर। यही इंग्लिश में होता है, ये इंग्लिश में सुनना था मुझे। तुम मेरे ट्रैप में फंस गए ना। आप भी तो इंग्लिश में नहीं बोले सर। बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश, यू नो आई एम लिटिल बिट वीक इन इंग्लिश, एंड द प्रॉब्लम इज ऑल्सो दैट बिल्कुल आई डोंट लाइक दिस हेजीमोनी इन आवर कंट्री। ओके सर। यस सो टेल मी अबाउट द एंगुलर एक्सलरेशन ऑफ द रॉड वेन इट इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द पोजिशन वेन इट इज इनक्लाइंड और वेन इट इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। सो जस्ट टेल मी वॉट विल बी द अल्फा, वॉट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। एनी वन फ्रेंड्स, एनी वन? आई थिंक इट्स क्वाइट इजी टू गेस आई गेस। ममता एनी गेस? नहीं टेल मी डू यू हैव एनी क्लू लाइक हाउ टू अप्रोच, हाउ टू सॉल्व? ब्रूनाली? अल्फा का वैल्यू ना सर। यस यस अल्फा। अरे यार गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। तुम लोग लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों से गड़बड़ नहीं हुआ। हो गया। चलो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। इसका लेंथ कितना है दोस्त? इसका लेंथ है एल, ध्यान से सुनते जाना। सेंटर ऑफ मास इसका यहां मान लेते हैं, ठीक है? क्या सेंटर ऑफ मास पे फोर्स एम जी नीचे की तरफ लग रहा है? हाँ बताते सर। जाना, ये फोर्स लग रहा है। इस का दूरी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इसी को दूरी मानते हैं, एफ इंटू आर, तभी तो करेंगे टॉर्क निकालने के लिए, क्योंकि हमें आई अल्फा वहीं से पता चलेगा। देखो टाउ बराबर क्या होता है? आई अल्फा, या टाउ बराबर क्या यस होता है? आर क्रॉस एफ। ये होता है कि नहीं होता? तुम बोलोगे हाँ। तो अगर हम इसका एक कंपोनेंट, ध्यान से देखो, अगर हम इसका एक कंपोनेंट ले ले इस रॉड का इधर, तो तुम बोलोगे फिर तो जय जय हो जाएगा सर। क्यों? तब तो जय जय हो जाएगा। क्यों? तो हम इसका कंपोनेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका कंपोनेंट आ जाएगा एल बाई टू साइन थीटा, क्योंकि ये दूरी कितना है, हम एम जी वाला कितना लिए, एल बाई टू। तो ये थीटा अगर है तो इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा? एल बाई टू साइन थीटा। जिधर एंगल होता है उधर कॉस, जिधर एंगल नहीं होता है उधर साइन। क्यों योगेश दादा? साइन। हाँ, तो ये रॉड यहां तक था, हमने इस रॉड का एक कंपोनेंट इधर ले लिया एल बाई टू साइन थीटा। इधर लोगे तो हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा, बट इधर क्यों नहीं लेंगे? इधर ले लेंगे तो ये हिंज्ड पॉइंट से 0 डिग्री बना देगा, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। हमको टॉर्क चाहिए तो 90 डिग्री पे, है ना? एक ये हो गया, और एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है। भैया फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, और दूरी का हमें पता चल गया, आर का वैल्यू एल बाई टू साइन थीटा और एफ का वैल्यू एम जी। हो गया ना? फिर
और रॉड का क्या होता है भाई? रॉड अगर किसी अपने एक पॉइंट पे घूमता है तो एम आर स्क्वायर बाई थ्री होता है, याद आया कि नहीं आया? बोलोगे अरे हाँ, तो क्या एम एल है स्क्वायर आर क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई थ्री अपॉन अपॉन सॉरी अपॉन नहीं, पहले आई अल्फा लिख देते ना, पहले आई अल्फा। तो आर की जगह क्या लिखे? आर की जगह लिखना पड़ेगा एल बाई टू साइन थीटा। एफ की जगह क्या लिखना पड़ेगा? सॉरी इंटू, एफ की जगह क्या लिखना पड़ेगा? एम जी। एमजी। इसकी जगह एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और अल्फा की जगह अल्फा। क्या यहां से कुछ काट कूट हो सकता है? एल से एल को एक बार मार दो, एम से एम को भी मारा जा सकता है, और तो कुछ नहीं कटने जैसा लग रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3g sin थीटा अपॉन 2l अपॉन 2l इक्वल्स टू अल्फा। होगा कि नहीं होगा तुम बोलोगे हाँ। अब मुझे बताना, मुझे बताना, ये रॉड को यहां से रिलीज किया तो धीरे 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 नीचे आएगा, तो मुझे बताओ जब ये नीचे आ रहा होगा, ये है अच्छा सवाल, तो अल्फा इसका बढ़ेगा या घटेगा? अल्फा इसका बढ़ रहा है या घट रहा है, सोच के बताओ, जब ये इधर आ रहा था, जल्दी बताइए, अल्फा डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? जल्दी जल्दी बोलो, डिक्रीज कर रहा और है। ओमेगा का भी वैल्यू बताओ, क्यों भैया क्यों डिक्रीज हो रहा? जो भी आंसर देगा उसका लॉजिक चाहिए मुझे। ओमेगा भी बताओ, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। मूर्ख बालकों, जैसे जैसे थीटा का एंगल कम होता जाएगा, अल्फा का वैल्यू कम होता चला जाएगा। देख लो ना, यहां पे आते ही इसके साथ एंगल कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। साइन 0 0, पूरा अल्फा 0 हो जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं ये फोर्स अगर हिंज्ड यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास करने लगे तो टाउ कितना हो जाता है? 0। तो मास तो 0 होगा नहीं, अल्फा ही 0 होगा। टाउ अगर 0 हो रहा है तो मास तो 0 होगा नहीं, अल्फा ही 0 होगा ना, तो यहाँ पे अल्फा 0 हो जाएगा, है ना? 0 की तरफ बढ़ना यानी अल्फा डिक्रीज हो रहा है। अल्फा क्या हो रहा है? डिक्रीज। लेकिन ओमेगा क्या होगा? ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है, बहुत तेजी से नीचे आएगा, है ना? डिक्रीजेस। ओमेगा क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमने काइनेमैटिक्स में भी पढ़ा था कि अल्फा सॉरी एक्सेलरेशन कम होता हो तो जरूरी नहीं है वेलोसिटी भी कम हो, वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, ठीक है? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, जबकि अल्फा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बताओ कोई दिक्कत? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है ना? हाँ। ठीक है, ओके, एक और सवाल दे दे। ठीक है, कहता है ये देखो ममता, ये मान लो एक पुली है, ये पुली वो वाला पुली नहीं है जो हम लोग पढ़ा करते थे, याद है आइडियल पुली, कहाँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सब में मोशन में हम हाँ मान के चलते थे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई पुली घूमेगा ही नहीं, सिर्फ रस्सी उसके ऊपर स्लिप कर जाएगा, याद आ रहा है? रस्सी वस्सी उसके ऊपर धागा बस स्लिप करता रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ खूब फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शन है कि रस्सी इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा, रस्सी के साथ साथ पूरा का पूरा पुली घूम रहा है, नाच रहा है। अब बोलो समझ आया? पुली भी नाच रहा है। जी, चलिए, पुली भी नाच रहा हाँ पुली भी नाच रहा है भाई, पुली भी नाच रहा है, वो भी गोल 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 घूमने लगा। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। कैसे घूम रहा? लो ऐसे घूम रहा, जब ये मास इससे लटका दिया ना तो ये ऐसे गोल गोल घूमने लगा। रेडियस वही घिसा पिटा है आर, तुम बोलोगे हाँ। और यह नॉन आइडियल पुली क्या है दोस्त? यह नॉन आइडियल पुली, यहां पे स्लीपिंग वाला जो काम है ना नहीं होगा, नो स्लीपिंग, यहाँ रस्सी स्लिप नहीं करेगा, यहाँ पे रस्सी इसको घुमाएगा, यहाँ सफिशियंट फ्रिक्शन भी है। पहले हम लोग फ्रिक्शन नहीं मानते थे,
लो अब सफिशियंट फ्रिक्शन भी है यहाँ पे। तुम बोलोगे अच्छा आपको चाहिए क्या ये बताइए, हम लोग निकाल के दे रहे हैं ना। चाहिए क्या, क्यों जी? मुझे चाहिए नेट एक्सेलरेशन, मुझे चाहिए नेट एक्सेलरेशन किसका, इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का, इस पूरे ए का, सॉरी ए का कहते हैं एम का, ये जो नीचे आ रहा है क्या? इसका ए चाहिए। फिर से बताइए, फिर से। मुझे चाहिए एक्सेलरेशन नेट इसका। तुम बोलोगे सर ये तो काफी मतलब गलत हो गया हमारे साथ, है ना। और मान लो पुली का मास है कैपिटल एम, पुली का मास कितना है दोस्त, पुली का मास है कैपिटल एम ले लो, रेडियस है कैपिटल आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, क्योंकि नाचेगा अपने एक्सिस पे तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो होगा, और मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। लो अब सब बता दिया, आओ क्यों ना मैं ही सॉल्व करने की थोड़ा कोशिश करूं। तो यहाँ पे दो दो मोशन देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनो। अगर ये सिर्फ नीचे की तरफ आता है तो इस मोशन को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भाई, हाँ सर। इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। ये एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये समझ में आ गया तो इसके आगे वाला जो सवाल सब है ना, मैंने जो पीडीएफ में रखा सब सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो सवाल हिलेगा भी नहीं। तो ट्रांसलेशनल मोशन में मुझे ये बताओ, नेट फोर्स इसका एम ए नीचे की तरफ है। तुम बोलोगे सर यहाँ टेंशन भी तो लगेगा ना, हम बोलेंगे हाँ टेंशन तो चाहिए भैया, टेंशन ले लो, टेंशन ऊपर की तरफ है स्ट्रिंग से तो टेंशन यहाँ नीचे की तरफ। अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना, यह है हाँ टेंशन, सुन, टेंशन। तो मुझे एक बात बताओ, ए नीचे की तरफ आ रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम में इक्वेशन याद है कैसे बनाते थे, जो नीचे की तरफ रहता था माइनस डायरेक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी, ध्यान से सुनना, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू माइनस एम ए, क्योंकि देखो इसने साफ बोल दिया एक्सेलरेशन नीचे है, तो नीचे है तो माइनस एम ए। बोलो मैंने कुछ गलत बताया, जो न्यूटन फर्स्ट न्यूटन वाला सॉरी न्यूटन का कौन सा था चैप्टर वो पढ़ के आया है उसको पता होगा कि मैंने क्या लिखा है ना, उनको पता है कि मैंने इक्वेशन क्या बनाया, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे सर इसमें कोई दिक्कत वाली कहीं कोई बात ही नहीं, ठीक कोई बात नहीं है तो बहुत अच्छी बात। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा और कोई इक्वेशन बन सकता है इसमें ट्रांसलेशनल मोशन में? तो तुम बोलोगे नहीं, अब तो कोई भी नहीं। इक्वेशन बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा, सही बात है कि नहीं है? बोलेंगे हाँ। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर वन, क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर वन। अब मैं बात करता हूँ रोटेशनल मोशन का, भाई पुली तो गोल गोल घूम रहा है ना उसकी वजह से, आया ना रोटेशनल सर मोशन, पुली के ऊपर कितना फोर्स तुमको दिख रहा है? तुम बोलोगे सर पुली के ऊपर मुझे कम से कम तीन चार फोर्स दिख रहा है, हम बोलेंगे तीन चार फोर्स, तो बोलोगे हाँ सर दो तीन फोर्स तो दिख ही रहा, एक यहाँ पे टेंशन नीचे की तरफ लग रहा जिसकी वजह से पुली गोल घूम रहा है, तुम बोलोगे हाँ, दूसरा यहाँ पे इसका मास की वजह से एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, हम बोलेंगे अरे हाँ यह भी बात है, तीसरा यह रस्सी में टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा उसकी वजह से भी, तुम बोलोगे हाँ गजब है ना, गजब का लग रहा है कि नहीं फोर्स, अरे हाँ या ना। तो मुझे बताओ एमजी की वजह से जो फोर्स लग रहा उसका टॉर्क कितना होगा, एमजी की वजह से जल्दी बोलो, जीरो होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन को जीरो पास कर रहा है, जीरो होगा, लिखेंगे ही नहीं, इस नॉर्मल की इस टेंशन की वजह से जो होगा क्या होगा, जीरो, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से कितना होगा, ये है दूरी आर, ये है परपेंडिकुलर इससे, देखो आर और यहाँ परपेंडिकुलर, तो टी क्रॉस आर लिख दें टाउ बराबर, या आर क्रॉस टी लिख दें, हाँ या ना बोल लो भाई, हाँ या ना। सर। और टाउ बराबर हम ये भी तो जानते हैं ना आई अल्फा होता है, टाउ बराबर हम ये भी हाँ तो जानते हैं आई अल्फा होता है, तो क्या मैं आर क्रॉस टी इज इक्वल्स टू आई अल्फा लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ, तो यहाँ से टी का वैल्यू हमें पता चल जाता है आई अल्फा अपॉन आर, हाँ या ना, आई अल्फा अपॉन आर पता चल गया, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू।
मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2, तुम बोलोगे ठीक। प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत सारा वेरिएबल है जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है, तो आओ कुछ तीसरा तिक्रम करें। मुझे बताओ एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर है ना, नॉर्मल अगर हम बात करते थे तो तुम बोलोगे नॉर्मल अगर एक्सेलरेशन का बात करते थे तो वो आर अल्फा होता था, रेडियस इंटू अल्फा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अल्फा की जगह हम ए बाई आर भी लिख सकते हैं क्या? ए बाई आर, लिख सकते हैं। अल्फा बराबर मैं ए बाई आर लिख सकता हूँ। तुम बोलोगे हाँ ये तो लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखो क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ टी इज इक्वल्स टू आई इंटू ए बाई आर इंटू आर। तो आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई नीचे आर पहले से था, एक और आर आ गया, तो ये थर्ड इक्वेशन मान लो, ये क्या हो गया थर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनना, हम इक्वेशन 3 है ना, इक्वेशन पहला और इक्वेशन तीसरा को एक बार ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम इक्वेशन पहला और इक्वेशन तीसरा को ऐड करने की कोशिश करते हैं। क्या है पहला इक्वेशन? टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू माइनस एम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू माइनस एम ए। तो माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो हम एक काम करते हैं ना, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस टी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। भाई ये भी तो लिखा जा सकता है ना मृणाली, हाँ सर। सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तुम बोलोगे हाँ इज इक्वल्स टू एम ए हो गया, तुम बोलोगे ठीक बहुत अच्छी बात है। इसमें किसको ऐड करना है, क्या ऐड करने की चाहत है हमारी? टी इज इक्वल्स टू बार आई ए आर स्क्वायर, टी इज इक्वल्स टू आई ए आर स्क्वायर, बोलोगे हाँ ठीक है। अब इसमें ऐड कर लो, आओ कर ले ऐड। तो टी से टी तो पहले ही मारा गया, टी से टी तो पहले फुर्सत में मारा गया, अब बचा क्या भाई? एम जी। और मुझे बताओ एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ बचता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ बचता हुआ। तो यहां से अगर ए को हम कॉमन लेके हटा दें, ए को अगर हम कॉमन लेके यहां से हटा दें तो क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे ये बचेगा एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना, कोई कुछ बोलता ही नहीं है यार। अरे बचेगा हाँ ना, सर। तो मैं एम जी इज इक्वल्स टू ए इंटू एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर लिखूं। कितने लोगों को चमका ये बात? तुम बोलोगे हाँ चमक रहा है, सब सब चमक रहा है, ठीक है चमका भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से ए का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाता है? तुम बोलोगे यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा एम जी ऊपर, नीचे एम एम प्लस प्लस आई अपॉन आर आर स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर कोई दिक्कत? नीचे आर यह स्क्वायर। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, इससे पहले वाला चीजें याद हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसका एक्सेलरेशन है? ये इसका एक्सेलरेशन। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं सर। तुम बोलोगे कि एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाता श्रीमान तो अच्छा रहता। तो मैं लिख रहा हूं इसको एक्सेलरेशन स्टाइल में है ना, बराबर नेट फोर्स। ऊपर देखो ये जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि अभी ब्लॉक इसमें ऐड किया जाएगा, बहुत सारा ब्लॉक दे देगा है ना, इधर ब्लॉक दिया इधर भी लटका देगा उधर भी लटका देगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। इसमें क्या लिखना है? नेट फोर्स, 1 मिनट को अच्छे से लिखना। क्या लिखना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन ट्रांसलेशनल मास लिखना है, ट्रांसलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वाला मास, ट्रांसलेशन मास प्लस यहां पे क्या लिखना? रोटेशनल मास। तुम बोलोगे रोटेशनल मास, लेकिन यहां तो आई आर स्क्वायर करके कुछ लिखा गया है ना। तो 1 मिनट अभी बताते हैं, एक बात मुझे बताओ आई बराबर क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ या ना, हाँ मोमेंट ऑफ सर। इनर्शिया का फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता था,
तो अगर मैं आर स्क्वायर को नीचे डाल दूं अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या ये मास नहीं हो गया एम एम? अरे आई अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गया, मास ही तो हो गया। तो रोटेशनल मास अगर मैंने हाँ नीचे लिख दिया तो कोई गलत बात है क्या? नहीं, तो ये तो इजी है ना, मैं जानबूझ के ऐसे लिख दिया हूं ताकि इससे तुम लोगों को क्या कुछ फील आए कि अच्छा हाँ ये वाली बात है। बोलो सही बात है कि नहीं है, इजी करके बता दिया। चाहो तो कोपचे में कहीं लिख लो आई इज इक्वल्स टू, या हमारे स्क्वायर जो है ना, सॉरी हाँ, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है एम आर स्क्वायर, और एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया आई बाई आर स्क्वायर। तो ये वही है, वही वाला मास है, रोटेशनल मास। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे दिक्कत तो कुछ नजर नहीं आ रहा, एक सवाल हो जाता तो मजा आ जाता। क्यों? ठीक है तो अभी आओ मजा ले लेते हैं, एक सवाल देखें। हो जाए एक सवाल, आ जाओ। मैंने बता दिया, ध्यान से सुनो, यहाँ पे नेट फोर्स लिखना है, यहाँ उस बॉडी का मास लिखना है जो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ वो बॉडी का मास जो रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई अपॉन आर स्क्वायर। आओ सवाल लो इसके ऊपर, एक एक सवाल तो बनता है ना। ये वाला सवाल सॉल्व कर चुके हैं ना शायद? हाँ सर, ठीक है, ये सवाल सॉल्व हो चुका है तो ये सॉल्व कर लो। ये वही वाला सवाल है, बिना उसके सॉल्व नहीं होगा। आओ मैं ही सॉल्व करने की कोशिश करूं। मुझे एक बात बताना ध्यान से सोच के। इन फिगर द ब्लॉक्स हैव अनइक्वल मासेस M1 एंड M2, वेयर M1 इज ग्रेटर देन M2। अरे हाँ, M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 हैज अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A, द पुली P हैज अ रेडियस R एंड सम मास, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली। साफ साफ बोल दिया, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली, आई इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली। अरे यार, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बताओ। तुम बोलोगे नेट फोर्स बहुत सरल है, नेट फोर्स हो जाएगा M2G माइनस M1G। अरे हाँ या ना, ये M1G हाँ फोर्स लगा रहा है, ये M2G फोर्स लगा रहा है, लेकिन साफ लिख दिया है M2 का वैल्यू देखो ज्यादा है, तो M1 M2G अपॉन M1G। तो यहां से G को अगर कॉमन ले ले तो M2 माइनस M1, हाँ या ना, ये आ गया नेट फोर्स। अब हमें क्या चाहिए, टोटल मास है ना, रोटेशनल बॉडी का मास, रोटेशनल सॉरी रोटेशनल नहीं, पहले ट्रांसलेशनल का पता कर। ट्रांसलेशनल का मास कितना होगा? अरे ट्रांसलेशनल वाले का मास कितना है, M1 प्लस M2, सिंपल M1 प्लस M2। रोटेशनल का कितना है, रोटेशनल का मास कितना है? कोई लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। आई अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये पुली है, एक हाँ आई अपॉन आर स्क्वायर ही होगा ना, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? आई अपॉन आर नहीं स्क्वायर, सर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, खट से लिख दो यहाँ पर कटाकट। इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, जी कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा M2 माइनस M1, ये नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। हो गया, यही आंसर है, खत्म, यही हो गया आंसर। समझ में आया कि क्या करते हैं, कहानी कहानी समझ में आया? यहां पे डालते हैं रोटेशनल बॉडी वाला मास, यहां कौन सा मास, रोटेशनल बॉडी, ऊपर में नेट फोर्स, और नीचे में सॉरी यहाँ ट्रांसलेशनल वाला, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ ट्रांसलेशनल बॉडी वाला मास, यहाँ रोटेशनल बॉडी वाला मास, और यहाँ नेट फोर्स। बताओ समझ आया कि नहीं आया? नहीं सर। हाँ आएगा सर, ही नहीं, आएगा कैसे तुमको, हमको तो ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बताओ, M2 की वजह से इतना फोर्स लग रहा है नीचे M2G, M1 की वजह से M1G फोर्स लग रहा है, हाँ या ना, तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा? M2G माइनस M1G। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर खींच रहा है तो एक इधर खींच रहा है, देखो ना ये घूम के आया हुआ है। जरा कॉमन सेंस भी प्लीज थोड़ा लगाओ, है क्या कहते हो? हाँ सर, तो M2G ये फोर्स और ये M1G, तो M2 बोल दिया बड़ा है, तो मैंने M2G माइनस M1G, जी कॉमन लेके M2 माइनस M1 कर दिया, नेट फोर्स पता चल गया। इस दोनों ये दोनों कैसा मोशन में है,
ट्रांसलेशनल मोशन में, तो M1 + M2 मास लिख दिया ट्रांसलेशनल वाले का, यहाँ पे नेट फोर्स लिख दिया, और इसका I/R² आई बोल ही दिया, देखो आई रेडियस आर लिख ही दिया आई, क्या दिक्कत है। आओ फिर एक और, ये वाला सवाल काफी अच्छा है, जल्दी बताओ। चलो ये सवाल तुम होमवर्क कर लेना, ये वाला, 1 मिनट रुको। अ डिस्क ऑफ मास, ये वाला भी होमवर्क कर लेना, ये वाला मत करना। अच्छा कर सकते सर आप हो, करने के पीडीएफ लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास के लेकिन बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन जल्द से नंबर 8, 9, 10 ये सब होमवर्क कर लेना, ठीक है। 7 तो मैंने बता ही दिया, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब सर, तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।